सो हे गाइस, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हो हमारा टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों योर पीसी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 11 में। अब योर पीसी सेटअप्स में मैं आप लोगों के सेटअप अपने चैनल पे फीचर करवाता हूं। अगर आप भी इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हो, इस सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ टू पार्टिसिपेट वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वाली वीडियो को आप फॉलो करके इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हाँ गाइस, आप लोगों में से काफी सारे जन बोल रहे थे कि भाई डिस्कॉर्ड सर्वर बनाओ, तो यार डिस्कॉर्ड सर्वर अपना रेडी हो गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई keysclub.in। अगर आप सस्ते में एक जेन्यून विंडोज की OEM या फिर रिटेल की परचेस करना चाहते थे तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे OEM की आपको 750 रुपीज में देखने मिल जाती है एंड विंडोज 10 की रिटेल की यहाँ पे आपको 1350 रुपए में देखने मिल जाती है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC250, तो आपको एडिशनल 25% तक का और भी डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। एंड इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि भाई आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट कौन है। तो गाइस, आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट है युगांश भाई। ये रहने वाले हैं दिल्ली से। अब इनकी जो उम्र है वो है 16 साल और ये पेशे से हैं एक स्टूडेंट, अभी पढ़ाई करते हैं। तो इनका जो आप सेटअप देख पा रहे हो, अगर आप पहली नजर में देखोगे ना, तो आपको इनका सेटअप थोड़ा सा मेसी लगने वाला है, क्योंकि इनके सेटअप के ऊपर इन्होंने टेबल्स पे ही अपने सारे राउटर्स के यार वायर्स को लगा दिया है। हालांकि अगर ये चाहते तो यार आराम से वो जो आपको पीछे सारे वायर्स दिख रहे हैं ना, उनको आराम से आप मॉनिटर के पीछे रैप करके आराम से हाइड कर सकते थे। उसके बाद जो इनका सेटअप है वो थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन लगने लगता। तो अगर मैं कोई सजेशन देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप अपने सेटअप के वायर्स को हाइड करके आपका जो सेटअप है ना, उसके लुक को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो। एंड केबल्स को हाइड करने के बाद जो आपका सेटअप है ना, वो थोड़ा सा क्लीन एंड नीट लगने लगेगा। अब डायरेक्टली गाइस बात करते हैं इनके सेटअप के भाई पेरिफेरल्स के बारे में। तो यहां पे ये कीबोर्ड एंड माउस में यूज कर रहे हैं ज़ेब्रोनिक्स का कॉम्बो। अभी साले कॉम्बो के बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, काफी ठीक ठाक सा कॉम्बो है, बजट कैटेगरी का कॉम्बो आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे इनके टेबल टॉप के ऊपर ही आपको यहाँ पे एक हेडसेट दिख जाएगा। अब ये है कॉस्मिक बाइट का GS403 हेडसेट, जो कि एक बजट कैटेगरी का हेडफोन है। एंड ये वाला हेडफोन ये यूज करते हैं भाई अपने गेम्स वेम्स को खेलने के लिए। बाकी ये ठीक ठाक सा हेडफोन है। अब बात कर लेते हैं इनके सेटअप के कैबिनेट के बारे में। तो ये वाला जो केस है थोड़ा सा रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग यार इस वाले कैबिनेट को यूज नहीं करते हैं। तो ये है एक ज़ेब्रोनिक्स का रेड स्पिन कैबिनेट, जिसमें आपको दो फ्रंट में फैन दिखने मिल जाते हैं। अब डायरेक्टली चलते हैं भाई इनके सिस्टम स्पेक्स की तरफ कि यार ये माल मटेरियल में क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये एक यूज कर रहे हैं सीपीयू के लिए Ryzen 5 2600, जो कि कुछ दिनों पहले मैं खुद भी यूज कर रहा था, तो काफी बढ़िया प्रोसेसर है। उस स्टॉक कूलर के साथ यूज कर रहे हैं। एंड ये यूज कर रहे हैं GTX 1650 4GB वाला ग्राफिक कार्ड, जो कि ठीक ठाक सा एवरेज ग्राफिक कार्ड है। हालांकि 1650 सुपर भी आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा बजट और एक्सटेंड करके। अब यहाँ पे रैम में ये 8GB की 2 sticks यूज कर रहे हैं, 32 MHz वाली रैम। एंड मदरबोर्ड में ये गैलेक्सी का A320 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं। स्टोरेज में 1TB की हार्ड ड्राइव, 120GB की SSD लगा रखे हैं। एंड PSU में आईबॉल का 450W का PSU यूज कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे इनका PSU का जो सिलेक्शन है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो आईबॉल का PSU है उतना कुछ अच्छा खासा PSU है नहीं। हालांकि जो आपका सेटअप है काफी डिसेंट सा सेटअप है यार, इसके साथ आपको एक बढ़िया वेल नोन ब्रांड वाला PSU लेना था। आप कॉर्सेयर का या फिर कूलर मास्टर का ले सकते थे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई पॉसिबल हो तो फ्यूचर में अपना ये PSU जरूर चेंज कर लेना, नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में भाई आपके PSU जलने के भी चांसेस है। बाकी केबल मैनेजमेंट की बात करूं तो यार केस के अंदर इन्होंने उतना कुछ अच्छा खासा केबल मैनेजमेंट नहीं किया है। एंड अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो बाहर की तरफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफी सारे केबल्स आपको नजर आएंगे। तो युगांश भाई यार सबसे पहले आपको केबल मैनेजमेंट करने की सख्त जरूरत है। सो थैंक यू ब्रो इस वाले सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो गाइस चलते आज के हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। अब आज के हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है भाई शिवम भोवाल भाई। अब ये रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल से। इनकी जो उम्र है वो है 16 साल। ये वाला जो सेटअप आप देख पा रहे हो ना, ये वाला सेटअप ये यूज करते भाई यूट्यूब के लिए एंड गेमिंग सेमिंग करने के लिए। अब इनके सेटअप में आपको एक चीज कॉमन लगने वाली है, इनके कैबिनेट का सिलेक्शन, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे प्राइमरी सेटअप में मैं खुद यही कैबिनेट यूज कर रहा था। काफी ठीक ठाक सा लुक्स ऑफर करवा देता है, हालांकि इसका एयर फ्लो उतना अच्छा नहीं है, पर्सनली मुझे उतना खास नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं इनके सेटअप के पेरिफेरल्स के बारे में। तो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं एक ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेबोर कॉम्बो, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक ठाक सा कॉम्बो है बजट कैटेगरी के हिसाब से। नाउ मॉनिटर के लिए ये यूज कर रहे हैं सैमसंग का 24 इंचेस वाला 144 हर्ट्ज का कर्व्ड मॉनिटर। मॉनिटर की चॉइस पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी इनकी। अब बात कर लेते हैं मेन इनके सिस्टम स्पेक्स के बारे में कि भाई सिस्टम के अंदर ये क्या यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर के लिए यूज कर रहे हैं एक Ryzen 5 3500X, जो कि एक हेक्सा कोर CPU है। कुछ दिनों पहले यार जैसा कि आप लोगों को पता है 3600 की प्राइसेस काफी बढ़ गई थी,
तो उसकी जगह पे आप इस वाले प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हो, काफी अच्छी लेवल की गेमिंग करवा सकता है। इसके साथ इन्होंने पेयर किया MSI का 1660 सुपर OC एडिशन, जो कि बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। अगर आप हाई टू मीडियम सेटिंग्स पे गेम्स खेलते हो तो आपको भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आराम से निकाल के दे सकता है, इतना कैपेबल GPU है ये। नाउ नेक्स्ट मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे यूज कर रहे B450 का प्रो M.2 मैक्स, 16 GB की इन्होंने रैम लगा रखी है, 8 GB की 2 स्टिक्स स्टोरेज के लिए, 500 GB की SSD एंड 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। PSU के लिए कूलर मास्टर का 550 वॉट का PSU यूज कर रहे हैं, जो कि ब्रॉन्ज स्टैंडर्ड रेटिंग के साथ आता है। एंड यहाँ पे केस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, तो पर्सनली गाइस इनका वाला सेटअप मुझे काफी पसंद आया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे अपने सुझाव जरूर कमेंट करके बता सकते हो। एंड शिवम ब्रो थैंक्स इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस आज के हमारे तीसरे कंटेस्टेंट है हमारे बैटमैन दादा। अब बैटमैन दादा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यार ये बैटमैन के काफी बड़े वाले फैन लगते हैं हमारी तरह। अब इनका जो नाम है वो है ऋतिक कुमार जयंत भाई, इनकी जो एज है वो है 20 साल की एंड ये रहने वाले हैं दिल्ली मानसरोवर पार्क से। तो यार इनका जो सेटअप है काफी बढ़िया सेटअप लगा, स्पेशली इन्होंने जो बैटमैन को इधर उधर लटका रखा है। पर्सनली मैं खुद भी बैटमैन का फैन हूं तो यार मुझे ये वाला सेटअप तो काफी बढ़िया लगा, बैटमैन की वजह से नहीं यार। अब इनका सेटअप मुझे क्यों पसंद आया, इनके केस के सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि इनका जो केस का सिलेक्शन है इनके ओवरऑल थीम को मैच करता है एंड इनका सेटअप इसी वजह से मुझे काफी पसंद आया। अब बात कर लेते हैं इनके सेटअप के पेरिफेरल्स के बारे में। तो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं एक लॉजिटेक का MK345 वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो। अब ये वाला जो कॉम्बो है भाई ये वायरलेस है, तो ओवरऑल काफी बेहतरीन कॉम्बो है, हालांकि ये बजट कैटेगरी का कॉम्बो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अदर पेरिफेरल्स की बात करूं तो यहाँ पे ये कंट्रोलर में रेड गियर का प्रो सीरीज का वायरलेस गेम पैड यूज कर रहे हैं एंड इन्होंने दो दो गेम पैड ले रखे हैं। एंड जो यहाँ पे ये दूसरा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं ये है गेमसर का T4W PC कंट्रोलर है, ये वायर वाला कंट्रोलर है, जो पहला वाला कंट्रोलर था वो वायरलेस था। नाउ इसी के नीचे आपको यहाँ पे इनका हेडसेट देखने मिल जाएगा, जो कि ये कॉस्मिक बाइट का फ्लैश CB1000 गेमिंग हेडसेट, जो कि काफी डिसेंट क्वालिटी का हेडफोन है। तो यहाँ पे भाई इन्होंने तीनों को काफी सही जगह लटका रखा है, काफी अच्छी तरह से तीनों लटक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सेटअप के मेन माल मटेरियल के बारे में कि भाई सेटअप के अंदर ये क्या क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं एक i380-100 जो कि 8th जनरेशन का i3 प्रोसेसर है, स्टॉक कूलर के साथ इन्होंने लगा रखा है एंड ग्राफिक कार्ड में इन्होंने पेयर किया है NVIDIA का Zotac 1650 सुपर, जो कि बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। एंड रैम के लिए यहाँ पे ये 8 GB की 2 स्टिक्स यूज कर रहे हैं, गीगाबाइट का H310 मदरबोर्ड इन्होंने लगा रखा है एंड स्टोरेज में इन्होंने 2 TB की हार्ड ड्राइव लगा रखी है, 240 GB की ये WD की SSD यूज कर रहे हैं। साथ साथ में PSU के लिए इन्होंने Corsair का VS450 का PSU लगाया है एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई इनके स्पेशली कैबिनेट का सिलेक्शन मुझे काफी पसंद आया क्योंकि यार ओवरऑल इनके थीम को मैच करता है। अब ये जो इनका कैबिनेट है वो है Corsair का स्पेक्स 04 येलो। तो थैंक यू ऋतिक ब्रो इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड अपने बैटमैन दादा का सेटअप सबमिट कराने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस चलते आज के हमारे चौथे और आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ। अब आज के हमारे चौथे कंटेस्टेंट है मन तारू। अब इनकी जो एज है वो है 15 इयर्स, ये ऑक्यूपेशन से है ये GFX डिजाइनर। अब इनका जो आप सेटअप देख पा रहे हो ये सेटअप आपको काफी सिंपल एंड मिनिमल लगने वाला है क्योंकि इन्होंने ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया अपने सेटअप में। एक इन्होंने अच्छा सा माउस पैड रख दिया है, ओवरऑल इनका जो टेबल है वो काफी छोटा है बट यार इन्होंने स्पेस को काफी सही तरीके से यूटिलाइज किया है एंड इनके सेटअप में आपको ज्यादा वायर्स भी नहीं देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई इनके सेटअप के पेरिफेरल्स के बारे में। तो यहाँ पे पेरिफेरल्स में ये एक यूज कर रहे हैं कॉस्मिक बाइट का GS412 हेडफोन, जो कि एक वायर्ड हेडफोन है एंड गाइस इसमें आपको एडजस्टेबल हेडबैंड्स भी देखने मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पेरिफेरल की बात करें तो यहाँ पे ये कीबोर्ड एंड माउस में यूज कर रहे हैं एक एंटी स्पोर्ट्स का MK700 एंड माउस में यूज कर रहे हैं भाई लॉजिटेक का G402 हाइपेरियन फ्यूरी। तो भाई साहब माउस की चॉइस तो काफी बेहतरीन है, पर्सनली ये वाला मुझे माउस काफी अच्छा लगता है। हो सकता है भाई फ्यूचर में मैं 402 या फिर 502 पे अपग्रेड करूं, पैसे वैसे आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनके सेटअप के सिस्टम स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पे ये इंटेल फैनबॉय लगते हैं, इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उसके साथ इन्होंने GT730 पेयर किया 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड। हालांकि इनका जो भाई ग्राफिक कार्ड का सिलेक्शन है ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि यार 10th जनरेशन के साथ आप एटलीस्ट एक RX 570 या फिर 1650 सुपर ले सकते थे, मे बी बजट का कुछ इसी होगा। एंड रैम के लिए यहाँ पे ये 16 GB की भाई रैम यूज कर रहे हैं, मदरबोर्ड के लिए इन्होंने H410 लगा के रखा है MSI का, स्टोरेज के लिए ओनली 240 GB की SSD लगा रखी है एंड भाई कैबिनेट के लिए ये यूज कर रहे हैं MSI का MAG400M, जो कि काफी बढ़िया कैबिनेट है। लुक्स के साथ साथ में ये वाला जो केस है यार एयरफ्लो भी काफी बेहतरीन प्रोवाइड करवा देता है
एंड MSI जैसे ब्रांड के साथ आता है तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो यहाँ पे आपको डिसेंट मिल ही जाएगी। तो बस गाइज ये थे हमारे आखिरी कंटेस्टेंट एंड थैंक यू ब्रो इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी गाइज आपको किसका सेटअप सबसे ज्यादा पसंद आया आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको भी अपना सेटअप फीचर करवाना है तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाउ टू पार्टिसिपेट वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो जाके देखो। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई अगले एपिसोड में आपका भी सेटअप मेरे चैनल पे फीचर करवाया जाए। सो थैंक यू गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं आज की वीडियो पे 1500 लाइक्स का। तो आई नो यार 1500 लाइक आप लोगों के लिए मतलब एकदम मजाक है भाई, आप लोग आराम से पूरा करवा दोगे। तो बस मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful.